गाइस, मैं सुबह उठ गई हूँ और सुबह के बजे हैं 5 और मैं झाड़ू लगा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे नीचे की सुबह की झाड़ू अपने आप ही लगानी पड़ती है, क्योंकि सुबह नहाना धोना, पूजा और बच्चे स्कूल जाते हैं, लंच बनाना होता है, बिना झाड़ू के मैं नहीं करती हूँ। वैसे आंटी आती हैं 7:30 बजे, तो जब वो आ जाएंगी तो वो दोबारा करेंगी ऊपर नीचे पूरे घर में झाड़ू पोछा, तो मैं बस अपनी झाड़ू लगा लूँगी। बस मैंने झाड़ू लगा ली थी, फिर यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे, मैंने चिप्स बॉईल करने रख दिए थे और मैंने चिप्स को सुखा दिया है। और नाश्ते में आज मैंने भेलपूरी बनाई थी, उसके बाद बस मैं नाश्ता करके तुरंत मैंने अपना जो है लंच बनाना स्टार्ट कर दिया था। रात को बांकले की फली काटी थी और उसको मैंने बस प्याज चॉप करके, हींग, जीरा, अब बस यहाँ पे मैंने फलियों के लिए प्याज और लहसुन और हरी मिर्च एक साथ चॉप करके मैं उसको एक साथ भून लूँगी। गाइस, आप हरी मिर्चें प्याज के साथ ही भूना कीजिए, क्योंकि इससे बच्चों को भी मिर्च नहीं लगती है अगर मुंह में आ जाती है, और इतना तीखा नहीं लगता है फिर। और बस इसमें प्याज का मसाला भुन जाने के बाद रूटीन के मसाले हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया और थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें डाल देंगे, और उसके बाद में आप फली और उसके साथ में आलू कट करके डाल दीजिएगा। बस मैंने अब इसमें फली डाल दी है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे। और बस फली हमारी बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, और इसी बीच में गाइस मैं राजमा की तैयारी कर लूंगी। और ये आंटी आ गई थी, झाड़ू पोछा कर रही हैं। और अब मैंने कुकर में सरसों का तेल डाला है, और सरसों का तेल डालकर इसमें मैं हींग, जीरा और जो मैंने प्याज चॉपर में चॉप की थी विद गार्लिक और ग्रीन चिली, और बस इसको मैं भून लूँगी मसाले को। और ये मसाला भूनने के बाद मैंने बीच में टमाटर चॉप कर लिए थे, और सारे मसाले पहले डाल देंगे जब प्याज का मसाला हमारा भुन जाएगा। बीच बीच में हम अपनी फली चलाते रहेंगे और मैं इधर मसाला भी चला रही हूँ। और बस मैंने ये टमाटर जो थे अपने मैनुअल चॉपर में चॉप कर लूंगी।
और मैंने अपने मसाले भी इसमें तब मिला लूँगी सारे राजमा में डालने के लिए। वही रूटीन के मसाले रहते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया। और कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं रेड कलर के लिए। अदर मेरी फलियाँ रेडी हो गई हैं और फलियों को बस थोड़ा सा भून लेंगे जिससे इसका मॉइस्चर सारा सूख जाए। और इधर मेरा प्याज मसाला टमाटर का भून गया था राजमा के लिए और मैंने उसमें राजमा डाल के बॉयल कर लिया है। और गाइस इधर मैंने इस बीच में किचन क्लीन करके आटा मार लिया था, चावल भिगो दिए थे लंच के लिए, और अपने हस्बैंड के लिए मैं फटाफट से रोटियां सेक लूँगी लंच के लिए। और रोटी सेकने के बाद बस मैंने लंच रेडी कर लिया है, मेरे हस्बैंड लंच ले जाएंगे। तो बस यही था, और शाम के 5 बजे हैं और मैं फेस पर अपना फेस स्क्रब कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अब ये मैं इसका फेस मास्क है ये लगा लूँगी जो कि बहुत अच्छा है और ये मल्टी विटामिन है, तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बस ये गाइस मैंने यहाँ पे धनिया साफ़ करी थी, धनिया लिया था थोड़ा सा, तो धनिया साफ़ करके रखना इजी रहता है किसी भी चीज़ में डालो। और ये मैंने लंच के लिए, सॉरी डिनर के लिए मैंने काली दाल की खिचड़ी बनाई थी, तो बस ये काली दाल की खिचड़ी मैं बना लूँगी डिनर के लिए। हमारा डिनर आज का यही है। तो अब हम लोगों ने डिनर कर लिया है और बस अब सोने की तैयारी करेंगे। और बस यही था आज का रूटीन। चिप्स बन गए होली के लिए, अब थोड़ी सी होली की प्रिपरेशन करेंगे। और जो भी मैं काम करूँगी वो मैं ब्लॉग में बताऊँगी आपको कि मैंने क्या क्या बनाया और कैसे बनाया विद रेसिपीज़। और होली का जितना भी मैं सामान बनाऊँगी, जितनी प्रिपरेशन करूँगी, उसका एक अलग ब्लॉग आएगा और प्लीज़ आप देखिएगा। और हो सके तो प्लीज़, मैं नई हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।